अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे आप डेली यूज़ करेंगे और एक महीने के अंदर आपको स्किन के अंदर नुमाया फ़र्क महसूस होगा। जो आपकी स्किन है वो नीट क्लीन होएगी, इसमें ग्लो आएगा, लेकिन आपने इसको रेगुलर जो है वो ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है और फिर मैं आपको बताऊँगी इसे यूज़ कैसे करना है और कैसे इससे आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्राम फ्लोर, 2 टेबल स्पून हम भर के ग्राम फ्लोर का लेंगे जिसे हम बेसन कहते हैं। ये मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है, 2 चम्मच हम मुल्तानी मिट्टी के लेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें चारकोल पाउडर लेंगे। ये एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर है, ये आपके ब्लैक हेड्स को दूर करेगा, आपके व्हाइट हेड्स को, आपके पिंपल्स को, इन सबको जो है वो क्योर करेगा और आपकी स्किन को दिन ब दिन बेहतर बनाएगा। 1 टेबल स्पून हमने इसमें चारकोल पाउडर ऐड कर दिया। अब जिन गर्ल्स को पिंपल्स का और एक्ने का प्रॉब्लम है वो इसमें लाजमी जो है वो नीम पाउडर ऐड करें। और अब इसको मिक्स करके आपने किसी भी ड्राई जार में जो है वो रख लेना है और ये ख़राब नहीं होता है, 5-6 महीने आराम से गुजर जाते हैं। और उसके बाद आपने इसको जब सुबह उठना है सबसे पहले आपने अपने फेस को वेट करना है और इसको इसको पानी के साथ एक पेस्ट बनाने के बाद अपने चेहरे पे लगा लेना है। और बाद में आप आराम से अपना काम करें, 5 मिनट इसे चेहरे पे रहने दें। जो पेस्ट है वो थिक होना चाहिए ताकि वो आपको पता लगे कि ताकि वो अपने आपके चेहरे पर वो अपना काम कर सके। जो बेसन है वो आपकी स्किन को जो है वो डीपली क्लींस करेगा और जो चारकोल है वो आपकी स्किन को जो है वो ब्लैक हेड से बचाएगा, वाइट हेड से बचाएगा, स्किन पे डीपली इसको आपकी स्किन को जो है वो नीट एंड क्लीन करेगा। और जो हमारी मुल्तानी मिट्टी है वो भी आपकी स्किन में जो है वो ग्लो पैदा करेगी और नीटनेस लेके आएगी। आप जब इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको इसके ऊपर नुमाया फ़र्क जो है वो महसूस होगा। ये देखिए, आप हथेली में इतना सा आपने लेना है पाउडर और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, इसको ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना। ये देखें, थिक सा पेस्ट आपका जो है वो होना चाहिए। ये देखें, ये वाटरी सा पेस्ट, इससे भी कोशिश करेंगे आपका ये पेस्ट जो है वो थिक हो। सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स जो है ना वो आपने ले लेना है और इसको फेस पे इक्वली जो है ना स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद आप उतनी देर टूथब्रश कर लें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, इसको आपने ऐसे फेस पूरे फेस पे जो है वो स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद आपने अपना जो है वो टूथब्रश करना है, आपने टूथब्रश करना है और इसके बाद जो है इसको 2 मिनट छोड़ने के बाद लाइट हाइट हैंड से मसाज करना है। ये जो है वो कम हल्का सा सूख जाएगा आपकी स्किन पे। और लाइट से मसाज करने के बाद आपने जो है वो अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है। और उसके बाद जो भी आप फेस वॉश यूज़ करती हैं आप उससे फेस धो लें। वैसे इसके बाद वैसे फेस वॉश की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और आपने इसको डेली बेसिक पे यूज़ करना है। अब अगर आपको 15 दिन के अंदर ही आपकी स्किन पे जो है ना वो फ़र्क नुमाया महसूस होगा। और जिन लोगों को एक्ने हैं वो जो है वो इसको रोज़ अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर नीम पाउडर यूज़ करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी स्किन बहुत नीट और क्लीन होएगी और आपकी स्किन में शाइन आएगी। और ये मेरी अपनी पर्सनल रेमेडी है जो कि मैं यूज़ करती हूँ फेस पे और मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है पहले से। तो आप मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और जिनकी स्किन ड्राई होती है वो बाद में अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें अच्छी तरह। तो सो व्यूवर्स, आप बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी रेमेडी को जो है वो आप डेली बेसिक पे अप्लाई करके मुझे 15 डेज़ बाद आप लाजमी बताएं कि आपको भी मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है जिससे आपकी स्किन जो है वो नीट होगी इंशाल्लाह ताला और शाइन भी आएगी। और आप कोई भी रेमेडी जो है वो 2 या 3 दिन बाद यूज़ करके ना कहा करें कि हमें बिल्कुल वर्क नहीं किया इसने। आप रेगुलरली जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनको रेगुलरली यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन पे एक्ने स्कार्स वगैरह जो है वो लाइट होंगे और शाइन आएगी। सो व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।